दोस्तों, अगर आप भी पांड्या और पंत को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, दिल्ली के टीम से जीतने के बाद हार्दिक पांड्या ने दिल जीत लिए। करोड़ों भारतीयों की जीत के जश्न में पंत को शामिल कर कुछ ऐसा कह दिया कि देखने के साथ शायद आप भी भावुक होंगे और उन्हें इस बात के लिए सलाम भी करेंगे। आखिरकार क्या था जीत के बाद का मंजर, कैसे सेलिब्रेशन मनाया गया, ऋषभ पंत के लिए क्या खास चीज़ें की गई, सब कुछ आपको इस वीडियो के जरिए दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पांड्या और पंत में बेहतरीन खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, IPL 2022 के विनर गुजरात टाइटंस के टीम 2023 में भी इतिहास रचने की कारगर पे है। पहला मुकाबला चेन्नई से जीता और इस बार झंडा गाड़ रहा है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अपना दूसरा मुकाबला और इस सीजन का सातवें मुकाबले का हिस्सा बन रही गुजरात के सामने दिल्ली कैपिटल्स की टीम थी पंत के बिना खेल रही। ये टीम आज पंत के साथ जरूर थी, लेकिन पंत मैदान में नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, जिस पंत की जर्सी पिछले मुकाबले में केवल स्टैंड के ऊपर लगी थी, वो पंत इस बार मैदान में आए टूटी हुई टांग के साथ भी टीम का सपोर्ट करने के लिए। खैर दोस्तों, मुकाबले की बात करें तो मुकाबला शुरू होता है, पांड्या टॉस जीतते हैं, गेंदबाजी चुनते हैं और गेंदबाजी में उनका सिलेक्शन कितना सटीक है ये सब चेन्नई के खिलाफ देख ही चुके हैं। आते हैं, सभी को नई गेंद देते हैं और सभी दोस्तों बड़े से बड़ा विकेट ऐसे दिला देते हैं। पृथ्वी शाह को 7 रन, मिशन मार्क को 4 रन पर चलता करने पर इनके बाद दोस्तों आगे चलकर अलजारी जोसेफ और रशीद खान इस गेंद की कमान को संभालते हैं, वो भी बैक टू बैक विकेट दिलाते हैं। दोस्तों, ज़्यादा कोई खास नहीं, पर पता केवल वार्नर के 37 रन, सैफ खान के 30 और अक्षर पटेल के 32-33 रन इस टीम को 162 तक ले जाते हैं। और अब लक्ष्य को चेस करने के लिए दोस्तों गुजरात के पास भरे पड़े हैं बल्लेबाज। हालांकि उनका टॉक ऑर्डर तो उनका फेल रहा, लेकिन साई सुदर्शन के 62 रन और फिर डेविड मिलर की किलर पारी ने 16 गेंद में 32 रन की पारी ने इस खेल को जिताया पूरे 6 विकेट के अंतर से। बशर्ते दोस्तों दिल्ली की टीम हार गई, सभी खिलाड़ी उदास थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो देखने वाला था। दोस्तों, गुजरात की टीम के जीत के बाद सभी खिलाड़ी सबसे पहले ऋषभ पंत से मिलने पहुंचे, खासकर हार्दिक पांड्या। दोस्तों, पांड्या पंत के दोनों हाथ पकड़कर उनसे मिलते हैं। साथ ही पूरा वाक्या देखकर नताशा, जो कि पांड्या की पत्नी है, वो भी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है। और दोस्तों, ईशा नेगी भी जो पंत के साथ मैदान में मौजूद होती है, वो केवल दोस्तों पांड्या ही नहीं, इसके बाद गुजरात की टीम का हर एक खिलाड़ी पंत से मिलने खास तौर पर आता है। दोस्तों, शुभमन गिल की तस्वीरें खिंचाते हैं और साई सुदर्शन भी कुछ इसी तरीके से जीत के जश्न में भी पंत को शामिल किया जाता है। फिर दोस्तों, ड्रेसिंग रूम में हार्दिक पांड्या स्पीच देते हैं और साई सुदर्शन के लिए केक की कटिंग होती है। इसके बाद कुछ मस्ती भी की जाती है खिलाड़ियों के बीच में, लेकिन पंत के लिए ये हरकत वाकई में पांड्या के लिए जीतने वाली है। ऐसे बहुत ही कम कप्तान होंगे जो विरोधी कप्तान का हाल चाल लेते हैं, ड्रेसिंग रूम में उन्हें बुलाते हैं और इतनी इज्जत बख्शते भी हैं। ये पांड्या की दरिया दिली है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, पांड्या, धोनी, रोहित में बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।